हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लाइकी नमकीन बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब हम एक स्टील की छलनी लेंगे और कढ़ाई के अंदर रखेंगे। अब इसमें करीब आधा कप मूंगफली डालेंगे। ध्यान रहे इसे फ्राई होने पर लाइकी ऊपर निकाल लेंगे। मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब इन्हें हम लाई के ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरीके से आलू के लच्छों को भी फ्राई कर लेंगे। और लाई के ऊपर निकाल लेंगे। अब पीले पापड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। पापड़ जब फूल जाए तब इन्हें भी निकाल लेंगे। अब पीले चने फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे चने को हल्का सा ही भूनेंगे। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब मखाने भी फ्राई कर लेंगे। और लाई के ऊपर निकाल लेंगे। सारी चीजें फ्राई हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई को गैस पर गरम करेंगे। अब उसमें करीब 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। ध्यान रहे तेल को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सारी सामग्रियों को तेल में फ्राई किया हुआ था। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सारी सामग्रियों को डालकर मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काला नमक ।1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और लाइकी नमकीन को एक बाउल में निकाल लेंगे। लाइकी नमकीन बनकर तैयार है।
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।